सत्यानाश कर दिया, रिंग को मेरे। तो पंडित जी मन में विचार करियो, क्या को वरदान मांगे, घर को सत्यानाश कर लियो। तो दूसरा वरदान पंडित जी मांग रखे, बार था बने रखे अपनी राम सभा। अरे दूजी बार वो भी पर बोला जो वरदान जरूरी, वो दूजी बार वो भी पर बोला जो वरदान जरूरी है, दूजी बार वो भी पर बोला जो वरदान जरूरी, वो दूजी बार वो भी पर बोला जो वरदान जरूरी है। झाके गई होर नौ नारी मन में चाहिए सूरी, झाके गई हो शंकर ने इच्छा कर दी पूरी, हाथी से गिरवा की परी ने रगी मंजिल खदूरी, अरे हाथी से गिरवा की परी ने रगी मंजिल खदूरी, अज घुड़ घुड़ करती घर घर डोले मन सलेटे उठाते हैं, जो हो तेरे भाग चांदड़े ओले रह जाते हैं, जो हो तेरे भाग चांदड़े ओले रह जाते हैं। तेरा कर मोबाइल काम बालाजी केड़े मिलेंगे, मन ढूंढ्या जगत तमाम बालाजी केड़े मिलेंगे, थोड़ी देर पहले जो हो ते निर्भाग चांदड़े जाते हैं, जो हो ते निर्भाग चांदड़े ओले रह जाते हैं, ओले रह जाते रे भाग में कोरे रह जाते हैं, ओले रह जाते रे भाग में कोरे रह जाते हैं, जो हो ते निर्भाग चांदड़े भगवान की। तो दूसरा वरदान सुनो भाई, पंडित जी मांगे हैं कि दूसरी बार वो भी पर बोले दो वरदान जरूरी है भगवान शंकर, वरदान जल्दी से दो। ब्राह्मणी दूर चली गई तो वरदान टावर पकड़े ना पकड़े, क्यों कई बार मोबाइल ही आई को नहीं पकड़े, वरदान की जरूरी है। और मन अन्न दाय धन माया क्यों नहीं चाहे, पंडित जी कहने लगे, पंडित जी ने ब्राह्मणी पर ही सारी भगवान शंकर मन यहाँ को वरदान दो, ब्राह्मण जटे बैठी 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 सुलडी हो जानी चाहिए। शंकर भगवान बोला तथास्तु तो ऐसा ही होगा। राजकुमार के पिछवाड़े बांडा ब्राह्मणी बैठी तो कहे तो बॉडी स्प्रे की सेंट की बाकी सुगनारी असुसाटियो मचायो करने लगी। राजकुमार बोले रे नीचे गिरो के बुला है, आतिशे गिरवादी प्री ने रहेगी मंजिल, हुड़ हुड़ करती घर घर डोले मानस लेट उठाते हैं, जो थे निर्भाग चांदड़े कोरे रह जाते। ब्राह्मण दादी शूलडी बनेड़ी लोग आगे घर हम बड़े लोग ले ले लठ और लेर चंपे। एक बार कोई एक चौधरी सत्संग सुनायो, सत्संग में जो वक्ता हो वो आके ही के गृहस्थी को धर्म हो है। कभी के घर आदमी के जानवर के पशु क्यों भी हो जाए, बिन हाथ को उत्तर देना चाहिए, मुंडा को उत्तर नहीं देना चाहिए। चौधरी माड़ा फेरो एक कुत्तो आगो, चौधरी पोतन बोले बेटा जा रसोई रोटी ले, कुत्तो जी आए हैं।
छोरो फिर आए बोले दादो जी रोटी तो कोनी, बोले लठ तो लिया खाली थोड़ी जान दिया। हुड़ हुड़ करते घर घर डोले मानस लठ उठाते हैं, जो थे मेरे भाग चांदड़े कोरे रह जाते। तो तीसरो वरदान वो लड़को मांगे है, और आखिरी कड़ी में की बार तबड़े की आपने राम सभा सुने। तीजे बार वो लड़का बोला माखा देख अनेसा, पहले जैसा के नाम सर को रुको रे सुशील जी। अच्छा अच्छा ये गांव का ही हो सुशील जी है? सुशील जी घोड़ है, कौन सा गांव का है? अच्छा अच्छा सुशील जी आपने पहले बूढ़िया चर्चा करता कि बिलाइया कुआ मुंह नहीं खड़े को डिलीवरी हो एडी है क्या जो खोते निर्भाग चांदड़े जाते रे। अरे खोले रे जाते रे भाग में कोरे रे जाते हैं, कोरे रे जाते रे भाग में कोरे रे जाते हैं, जो खोते निर्भाग चांदड़े कोरे रे जाते हैं। तो तीसरो वरदान वो लड़को मांगे है कि तीजी बार वो लड़का बोलिया माँ का देख हनेशा, प्रभु मेरी माँ का रूप बना दे बिल्कुल पहले जैसा। हे भगवान शंकर मनिया को वरदान दो कि मेरा माँ बाप पहले हबया कबया हो जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले तथास्तु, जैसा मांगा वैसा हो गया, पल्ले पड़िया ने का पैसा और कालू राम के बिना भाग में रह गया पहले जैसा। नई रंगत का नया भजन हम सभा बीच गाते हैं, जो थे मेरे भाग चांदड़े कोरे रह जाते। प्रेमियों भगवान का तीनों वरदान भी पूरा हो जाए, बाकी क्यों हाथ में नहीं आया। एक बार कोई एक आदमी घोड़ो चोर ले आयो घोड़ो, फिर भी घोड़न ले की मेला में चले गए सुशील जी। अबे अबे मेले में लेके चले गयो, एक घोड़ो खरीदनी आयो, वो बोले भाग ताड़ी पहले से बोले 1,30,000 खरीदनी, बोलो देख तने यदि बेचनु है घोड़ो जो तो 1,00,000 रुपया कीमत है तेरे घोड़े की ऊपर को नहीं। अब वो चोर की लाए, वो देखियो आपने तो 1,00,000 ही फोकट का ही तो हमें। बोलो सोच विचार करके बोलो मैं घर वाली ने पूछ लियो झूठो साचो इनने बिन्ने फिर की। बोलो ठीक है आपने 1,00,000 रुपया सौदो थे ना खरीदनी हो, बोलो देख अपनी बात तो 1,00,000 रुपया मत है घोड़ो मेरो यो, पर चाल डाल तो देख ही सका हाँक। अब खरीदनी हाथ में छत्तो, बोलो छत्तो पकड़ घोड़े के ऊपर चढ़ गयो, बोले मैं ट्राई लिया हूं। अब लेके घोड़े के वो जा 10 बजे बेचियो, शाम को 8 बजे तक आयो को नहीं वो बटे छक मारोगे वो देखियो वो अपना तकड़ो है वो कहते हैं वो पाछो घर गयो। तो घरवाली पूछी बोली जी घोड़े ने बेचे है के? बोले हो कत्ते को? बोले आप लाया बताए कोई जती रकम दे के फच होती है आग लग। भगवान का तीनों वरदान भी पूरा हो जाने बाकी क्यों हाथ भी नहीं आवे। जैसा मांगे वैसा हो गया, पले पड़िया ने पैसा कालू राम के बिना भाग में रह गया पहले जैसा।
नई रंगत का नया भजन हम सभा बीच गाते हैं, ज्योतेंद्र भाग चांदड़े कोरे रह जाते। तो आप सभी से आग्रह एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर को जयकारो लगा दो। बोलो शंकर भगवान।